नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि अगर आप गुरुवार का व्रत उठाने की सोच रहे हैं या फिर आपने व्रत करना प्रारंभ कर दिया है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और विशेषकर आपको गुरुवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आज इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए भगवान बृहस्पति का नाम लेकर के प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। जय श्री हरि। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्री हरि की कृपा से उनके भक्तों के संकट दूर होते हैं। कहते हैं कि सच्चे दिल से भगवान की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर आप पहली बार भगवान विष्णु के व्रत की सोच रहे हैं तो बता दें कि व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। गुरुवार व्रत के दौरान केले के पेड़ की पूजा की जाती है और पूजा के दौरान भगवान विष्णु को केले समर्पित किए जाते हैं। ऐसे में इस दिन भूल कर भी आप केले नहीं खाएं तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गुरुवार के व्रत में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप सिर्फ गुरुवार के व्रत में ही नहीं बल्कि आप सप्ताह में कोई भी व्रत करें उसमें ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। व्रत में आप दूध, दही, पनीर, मक्खन खा सकते हैं, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। व्रत में कई जगह गेहूं का आटा नहीं खाया जाता है, ऐसे में आप अरारोट का आटा, कुटू का आटा, राजगीरा का आटा, सिंघारे का आटा, साबूदाना और सामा के चावल खा सकते हैं। ये सभी फलाहार में आते हैं। लेकिन अगर आप अन्न पे गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो आप गेहूं के आटे के पराठे या पूरी बना करके खा सकते हैं। व्रत में आप सभी फल खा सकते हैं जैसे संतरा, अंगूर, पपीता, खजूर, तरबूज। इससे शरीर को पोषण भी मिलता है और बॉडी हाइड्रेट भी रहती है। शकरकंद, गाजर, टमाटर और खीरा खाने से पेट ठंडा रहता है और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। व्रत के दौरान एनर्जी बनाए रखने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, डेट्स, अखरोट, मूंगफली आदि खाने से आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी और आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी। व्रत का खाना बनाते समय आप साबुत मसाले, गुड़, सेंधा नमक, जीरा, लाल मिर्च, आमचून जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत का खाना घी या मूंगफली के तेल या फिर सनफ्लावर ऑयल में भी बनाया जा सकता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गुरुवार के व्रत में आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो अगर आप अन्न पे व्रत नहीं कर रहे हैं तो आपको गेहूं का आटा, बेसन, सूजी, मैदा, चावल जैसे अनाज नहीं खाने चाहिए। अगर आप रात में एक बार अन्न खाते हैं तो आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं। गुरुवार के व्रत में प्याज और लहसुन का उपयोग भी नहीं किया जाता है। उपवास के दिनों में नमक नहीं खाया जाता है। आप अगर सेंधा नमक खाते हैं तो सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि सप्ताह में हर इंसान एक ही व्रत रखता है, या तो गुरुवार का या फिर मंगल का, दो फास्ट नहीं रखते हैं लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है। तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप सेंधा नमक भी अवॉइड कर दें तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको गुरुवार के व्रत में नहीं खानी चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जय श्री हरि।